हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप उनके साथ में रिव्यू प्लस डेमो शेयर कर रही हूँ गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स हेयर कलर का। सो मैंने ये जो कलर लिया है बरगंडी कलर है, शेड नंबर इसका 3.16 है एंड ये 39 रुपीज़ में इजिली आपको मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंशन किया गया है गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स ऑयल इनरिच्ड क्रीम कलर, नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स प्रूवन, नो अमोनिया, 5 टाइम्स शाइनी एंड सॉफ्ट हेयर, 100% ग्रे कवरेज, वर्क्स इन जस्ट 15 मिनट। आलमंड ऑयल प्लस टी के एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिल जा रहे हैं एंड ये क्लेम करते हैं कि 15 मिनट में ही आपको कलर मिल जाएगा। बैक साइड में इसको यूज़ करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, वॉश कैसे करना है। मैन एंड वुमेन दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको कोई इरीटेशन होती है तो आप इसको यूज़ मत करिए। इस हेयर कलर का सेल्फ लाइफ 3 ईयर है। इस शैशे के अंदर आपको एक बुकलेट मिल जाता है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, उसके बाद इसको यूज़ करिए। उसके बाद आपको 2 शैशे और मिल जाते हैं, एक में कलरेंट है, सेकंड में डेवलपर है। इसको कट करने के लिए एक मार्क दिया गया है, आप लोग इसको वहीं से कट करिए। सो इससे लीकेज होने के चांसेस नहीं होंगे। सो इसमें यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं इसके बारे में, कलरेंट एंड डेवलपर के बारे में। सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, उसके बाद ही यूज़ करिए। इस कलरेंट एंड डेवलपर को हमें अच्छे से मिक्स करना होता है। सो कांच की बाउल होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे आप किसी भी बाउल में उसको मिक्स कर सकते हो। एंड इसकी जो क्वान्टिटी है 8 ml एंड 8 ग्राम की है। सो 16 ग्राम आप इसको बोल सकते हो। सो आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग 2 या 3 शैशे भी ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट के लिए रख देना है। सो आप देखोगे कि इसका कलर बरगंडी टाइप का हो जाएगा। सो उसके बाद हैंड में ग्लव्स वेयर करने के बाद ही हमें इसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है। एंड हेयर कलर अप्लाई करने से पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड ड्राई कर लीजिए एंड हेयर को टैंगल फ्री कर दीजिए, उसके बाद ही हेयर कलर अप्लाई करिए। सो आपको डिज़ायर हेयर कलर मिलेगा। ब्रश की हेल्प से हेयर कलर को अच्छे से पूरे हेयर पे अप्लाई करना है। आप जिस एरिया में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए एंड मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसका रिज़ल्ट कैसा था हेयर कलर का। सो एंड तक वॉच करिए एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हेयर कलर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए नहीं है। सो आप लोग इसका यूज़ हाईलाइट करने के लिए मत करना, इससे आपके हेयर हाईलाइट नहीं होंगे, ओनली कलर होते हैं इससे। सो इस तरह से पूरे हेयर में अप्लाई हो गया है हेयर कलर। सो 15 मिनट रखने के बाद अपने हेयर को वॉश कर देना है नॉर्मल वाटर से। सो फर्स्ट टाइम हमें शैम्पू का यूज़ नहीं करना है हेयर को वॉश करने के लिए। सबसे पहले हमें नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है एंड उसके नेक्स्ट डे के बाद हमें शैम्पू करना है। नेक्स्ट डे शैम्पू करने के बाद रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, हेयर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं। एंड हेयर कलर की अगर बात की जाए तो कलर भी काफ़ी प्यारा आया है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट रियल में कलर काफ़ी प्यारा आया है। कलर डार्क नहीं आया है, लाइट ही है, बट इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है। जो भी कलर आया है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेयर को एक वॉल्यूम मिल गई है। एंड अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैं तो आपको इतने ही हेयर कलर मिलने वाले हैं।